श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शुणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः दुःखमेत्येव यत्कर्म कायकेशभयात्यजे सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभे कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः मेधावी छिन्न संशयः ये दसवें श्लोक का भाष्य देखिएगा। न द्विष्टि अकुशलम अशोभनम न द्वेष्टि अकुशलम अशोभनम काम्यम कर्म शरीरारंभद्वारेण संसार कारणम किम अनेन इति एवं कुशले शोभने नित्य कर्मणि सत्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति निष्ठा हेतु तत्वेन मोक्ष कारणम इदम्
इति एवं न अनुषज्यते तत्र अपि प्रयोजनम् अपश्यन् अनुपसंगः प्रीतिं न करोति इति एतद् न पुनः असौ त्यागी पूर्वोक्तेन सफलंगेन परित्यागेन तद्वान् त्यागी सह यह कर्मणि संगम त्यक्त्वा तत्फलं नित्यकर्मानुष्ठानाय सत्यागः कदा पुनः असौ अकुशलं कर्म न द्वेष्टि कुशले च न अनुषज्यते इति उच्यते सत्त्वसमाविष्टः यदा सत्त्वेन आत्मा अनात्मा विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्तः इति एतद् अत एव च मेधावी मेधया आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान् मेधावी मेधावित्वात् एवं छिन्न संशयः छिन्न अविद्या कृतः संशयो यस्य आत्मस्वरूपानुष्ठानम् एवं परम निश्चयस साधनम् न अन्यत् किंचित् इति एवं निश्चयेन छिन्न संशयः यः अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मायोगानुष्ठेन कर्मेण संस्कृत आत्मा संजन्मादि विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन संबुद्धः सहस्रकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नैव कुर्वन्न कार्येन आसीन नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम् अश्नुते इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम् अनेन श्लोकेन उक्तम् यह छठा श्लोक हमारा आप देख रहे थे भूमिका सिर्फ यहाँ तक हमारी आपकी बात हुई मास्टर तीन कर्मों को भगवान ने न छोड़ने की सलाह दी वो तीन कर्म हैं यज्ञ दान और तप मतलब किसी भी दशा में साधक को यह तीन कर्म नहीं छोड़ने चाहिए यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम स्पष्ट है इन तीनों को तो नहीं छोड़ना चाहिए बोले ये तीन को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए अन्य को तो छुड़ा दिया बोले यही तीन ऐसे हैं जो हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं तो शब्द क्या लिखा गया पावनानी पावनानी मतलब मेरे चित्त को यह जो कर्म है ये पवित्र करते हैं एक बात मैंने आपसे कल कही होगी शुद्ध विचारों का उदय तो उसी के मन में है जिसका मन पवित्र है ये तो आप नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं में भी आप देख सकते हैं आखिर मस्तिष्क तो वही है शरीर भी वही है घर भी वही है लेकिन ऐसी कौन सी अवस्था आती है कि जब आप सोचने बैठते हैं तो आपको नए नए विचारों का उदय होता है जिसको आप कहते हैं कि दिमाग चलता है और वही हमारा ही घर ऐसा है कि हजार चीजें सोचने के बावजूद अब उस घर का वातावरण ऐसा है कि आप कितना भी चाहो आपको अच्छे विचार नहीं आ सकते तो अध्यात्म तो इसका एक बहुत बड़ा पवित्र कारण कहता है एक तो घर पवित्र होवे दूसरा चित्त पवित्र होवे गृहस्थ के लिए ये दोनों चीजें बड़ी रखने वाली चीजें हैं जो अध्यात्म प्रेमी लोग हैं उनके लिए तो विशेषकर घर को पवित्र बनाएं और चित्त को पवित्र बनाएं मतलब मैं सीधा सीधा कहूं को पवित्रता का एक सबसे बड़ा फल है विचारों का उदय
इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने किसी काम करने के पहले, शुद्ध काम करने के पहले उन्होंने क्या कहा, स्नान करो। स्नान करने से एक तो स्पष्टता दिखती है कि चित्त को क्या होता है, पवित्रता की एक समझ आती है। आप गंगा में स्नान कर ले, जैसे ही व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसी क्षण उसको पवित्रता का एहसास हो जाता है, तो स्पष्ट है ही है। तो तीनों कर्म इसलिए किए जावें, उसका एक ही फल है कि चित्त किसी तरीके से क्या बने, पवित्र बने। अच्छा, अब ये एक विशेष चर्चा कल छिड़ी थी कि एतान अपितु कर्माणि, इसको कम कर लो, एतान अपितु कर्माणि, ये है आगे लें, संगम त्यक्त्वा, बस यही है जड़। इस पे ही आप कुठाराघात कीजिएगा, कोशिश कीजिए जब तक समझ में ना आवे तब तक समझने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कर्म करने की जो विधि है वो ये है, अध्यात्म कर्म छोड़ने की कभी सलाह नहीं देता, कतई सलाह नहीं देता, और इससे सहमत नहीं है। अच्छा, भला क्यों? कर्म छोड़ने की सलाह दे दे तो जब तक चित्त में रजोगुण भरा है, रजोगुण, व्यक्ति कर्म किए बिना मानेगा नहीं। आपसे बताएं, इस बात को गांठ बांध दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूं, अभी किसी साधक के मन में रजोगुण भर गया हो, अभी इसी समय आप अपने व्यक्तिगत परीक्षा कर लीजिए। जैसे ही चित्त में रजोगुण आया व्यक्ति चंचल हो बैठता है, और उसका एक ही लक्षण है, वह अकेले में बैठना पसंद नहीं करेगा। अपने अपने को थोड़ा वॉच कीजिए। हमारी ही एक अवस्था ऐसी आएगी 12-1 बजे कि जब हमें भी किसी न किसी की आवश्यकता, तो मोबाइल होगा, तो व्यक्ति होगा, जो भी होगा, चित्त समझ में आता है कि जो चित्त प्रातः काल था वह चित्त अब, तो प्रातः काल क्या था और अब क्या नहीं। प्रातः काल सत्गुण था, कैसे पता करें, कैसे पता करें? चित्त जागृत होवे ये एक अलग चीज है, चित्त जागृत होवे लेकिन कर्महीन है, ये कॉम्बिनेशन बनाइए। संभवतः व्यक्ति सो जाए तो कर्म भी ना करे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जगे रहिए, जगे रहिए और आंखें बंद हो जाएं। बस जगे रहे और आंखें बंद हो जाए। अच्छा, हमारे साथ क्या है? जय, शुरुआत तो ऐसे हमारी और आपकी होती ना, ध्यान में तो यही है ना, जगे हैं और आंखें बंद है, लेकिन थोड़ी देर बाद व्यक्ति को नींद आ गई। इसका मतलब जो पहली शर्त थी जागृत, वो क्या हो गई, चली गई। जागृत होवे भले ही आंखें बंद होवे। पके हुए संत महात्मा लोग तो ये भी कहते थे, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, कुछ भी मत करो, प्रातः काल लेटे रहो, लेटे रहो,
लेकिन चित्त कैसा होना चाहिए? जागृत। यह अपेक्षा नहीं है कि माला लेके बैठ जाएं, यह अपेक्षा नहीं है कि हम कुछ करना स्टार्ट कर, जैसे ही ध्यान रखना, मैं तो घोर विरोधी हूं इस बात का, जब तक कक्षा समाप्त न हो जावे तब तक आपको सत्व गुण में बने रहने का अभ्यास करना चाहिए। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, जब तक कक्षा समाप्त ना हो जाए, कक्षा कब तक नहीं? 9-10, उसका एक ही उपाय है, साधना के स्तर पर कह रहा हूं, अपने चित्त को बहिर्मुखी ना होने दें। ठीक है महाराज, अच्छा बहिर्मुखी कैसे ना होने दें? एक तो पहला काम, बोलना बंद कर दीजिए, मौन। ना मौन मतलब ये नहीं कि कोई आपसे पूछ रहा है कि ताला कहाँ है, चाबी कहाँ है, तो अब आप मुंह से इशारा, तो नाटक हो गया, फिर तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, फिर तो घर में कलह हो जाएगी ना। फिर उतनी ही मात्रा में बोला जाए जितनी आवश्यकता है। ऐसा कभी साधना में जीवन थोड़ा 2-3 दिन बिताने की कोशिश कीजिए, और मैं तो बहुत पहले से, अभी इस समय में चित्त को रजोगुण में लाने वाली जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है पता है आपको? हाँ, मोबाइल। और आप 2-4 लोग हैं ये मानते ही नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ऐसा अभ्यास क्यों नहीं हो सकता कि तकिया से 10 फीट दूर फेंक दीजिए आप मोबाइल को, कितनी देर के लिए? 3 घंटे के लिए कहा जा रहा ना भाई। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री भी करता होगा तो वो भी अपने बिस्तर से 2-4 घंटे के लिए मोबाइल को, ये मैं अनुभूत कह रहा हूं, मैं अपना भी सत्य कह रहा हूं कि जैसे ही वो पास में पड़ा रहेगा तो हमारी निगाह किस पे जाएगी? तो हम फोटो देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, थोड़ा पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, और मैं आपसे दावा कर दूं 10 मिनट में जो चित्त है वो क्या हो गया? गया, खो बैठे आप। दिन भर का जो क्या बोलते हैं आपको, इतना बड़ा दूध, क्योंकि अभी हम पढ़ रहा था ना, दूध को जलाकर क्या बनाया? हाँ, मक्खन, क्या वो औंटते हैं ना, और उससे फिर आखिरी में जला के क्या बनाया? घी। घी कितना निकला? आखिर 1 किलो दूध को औंटा जाए तो घी कितना निकलेगा? 6% 1 लीटर में। सोचो आप, 1 लीटर का 6% हिस्सा घी बनता है। हमारे जो दिन भर की रात की आपको नींद मिली ना, वो आपने 1-2 मिनट मोबाइल देखकर क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया। अब ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है, ना है तो अब क्या करेंगे? साधना यही है, सिर्फ इतना, सिर्फ पढ़ते रहना ही साधना नहीं भाई। मोबाइल को, मोबाइल अब आ गया इसलिए किसी से बात करना बंद कर दीजिए, एकांत में बैठ जाइए, आंख बंद कर ली। मैंने ये नहीं कहा कि स्नान कीजिए। देखो, अगर आपको लगता है कि चित्त मेरा क्या है, जागृत है, चुपचाप शांति से बैठ जाइए। लेकिन अगर वो जो प्रातः काल का, अब तो गया वो जो समय था सुबह का, वो गया, अब दिन भर आप क्या करोगे? अच्छा, रजोगुण और बस, यही हमारी जिंदगी बीत रही है। यदि साधना में विकास हो रहा है जी, तो आप ये पक्का जानना कि आपके अंदर एकांत में रहने का जो सुख है वो थोड़ा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
ऐसा नहीं कि समाज के प्रति घृणा की दृष्टि है, ना ना ना, शायद जितना एकांत में रहेंगे उतना ही लोगों से ज्यादा प्रेम करेंगे, वाणी विनम्र होगी, भावों में गहराई होगी। जितना ही आप पब्लिक से एक्सपोज हो जाएंगे उतनी ही जो चित्त है वो कैसा हो गया, स्थूल हो जाता है। अपने को समझ में आता है मैं वो नहीं हूं जो मैं प्रातःकाल था। इसलिए इसको याद रखिएगा, एतान्यपि तु कर्माणि, कार्य तो करना है। अब देखो, अब इसकी मीमांसा देखिएगा, लेकिन मैं कर्म के संग से न बंधूं, मैं कर्म के संग से न बंधूं। देखो मतलब साधना ये है कि जिसका सहारा ले रहे हैं कहीं उसी से ना बंध जाइएगा। जिसका सहारा लेके चलें वो सहारे को भी कभी ना कभी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। किसको नहीं छोड़ा आपने? माता भी छूटे, पिता भी छूटे, एक दिन गुरु भी छूटेगा, एक दिन शरीर भी छूटेगा। साधन का लक्षण ही यह है कि जो छूटे। साधन वह है जो छूट जाए, बस गिनो आप क्या क्या है जो छूट जाए। शरीर भी छूटता है, साधना भी छूटेगी, माँ बाप भी छूटेंगे, गुरु भी छूटेंगे, सब छूटेंगे। कर्म एक सहारा है उस तक पहुंचने का, लेकिन कर्म को भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लिव। अब हमारी और आपकी ऐसी स्थिति है नहीं कि हम और आप कर्म को क्या कर सकें, ये भी एक सच्चाई है। भाई इतनी साधना में उन्नति अभी हुई नहीं है, देखो जी स्पष्ट है कि मैं कर्म को क्या कर दूं, छोड़ दूं, नहीं है ऐसी स्थिति। बड़ी कृपा भगवान की, देखो वो कहते हैं ऐसा करो, कर्म को करो, लेकिन यह जो कर्म से होने वाला जो संग है उसको छोड़ दो। भगवान कृष्ण को एक मड़ी मिली थी, याद है श्यामंतक मड़ी, आपने पढ़ा होगा। वो मड़ी अब मुझे तो याद है कितने किलो सोना निकलती थी, वो सोना निकलती थी। तो भगवान ने उस, अब नाम क्या था उसका, नहीं नहीं उस व्यक्ति का, सत्याचित। तो भगवान ने उससे कहा कि देखो तुमको खतरा है। तो अब उसको क्या लगा खतरा, कि भगवान हमको मारने के लिए ये डरा रहे हैं किसी तरीके से। भगवान ने बहुत सुंदर उपाय दिया था, उपाय ये था मणि को तुम अपने पास रख लो, अच्छा, लेकिन उससे होने वाला जो स्वर्ण है वो उसको क्या कर दो, राजकोष में दे दो। तो मणि भी तुम्हारी रही लेकिन जो स्वर्ण निकला वो किसके काम में आ जाएगा, राज्य के। बहुत सुंदर उपाय था, इसमें क्या दिक्कत थी भाई। मणि का जो स्वामित्व होगा वो आपके हाथ में होगा, लेकिन वही साधक के साथ तो यही है। यहां भगवान भी कर्म करो, छूट है, इसीलिए कहा ही गया कर्मणि अधिकार रहते, तुम्हारा अधिकार है भाई, देख लो आप अपना अधिकार, अभी देख लो आप ये अधिकार। आप सत्संग में आइए, सत्संग में ना आइए, सत्संग सुनिए ना सुनिए, कोई जेल कर सकता है आपको? अच्छा, शहर के 40 लोग हैं, 50
अन्य जो लाखों लोग हैं वो नहीं सुन रहे, मान लो तो आप उनको जेल में डाल देंगे। वो ये कह सकते मेरा अधिकार है, मैं आपको सुनूं और चाहे, ये उसका अधिकार है। देखो आप अभी कितनी बड़ी शक्ति और सामर्थ्य हमको दे रखी है भगवान ने। इसी तरीके से कर्म का अधिकार है, मतलब आप चाहे तो सुनिए, आप चाहे तो जगिए, और आप चाहे तो ना जगिए, आप चाहे तो अभी भी सोइए, कोई आपको उठा नहीं सकता, यह आपके हिस्से में। इसको बोलते हैं अधिकार मीमांसा। लेकिन एक चीज अर्जुन समझो, कर्म तो करो लेकिन उससे मिलने वाली जो चीजें हैं उससे सावधान रहना, वही व्यक्ति को बिगाड़ती हैं। बोले भगवान वो क्या है, कल मैंने आपके सामने रखा तीन चीजें हैं, पता नहीं आपने उसके बाद मनन किया कि नहीं किया, मुझे तो बहुत आनंद आया। मैं उसको और प्रायोगिक कर रहा हूं, जब मैं कर्म करने चला, चलो अब मैं आपका क्यों लूं, मैं अपना लूं, मेरे प्रवचन करने के पूर्व मेरी क्या बुद्धि थी, दिस इज फर्स्ट। प्रवचन करने की पूर्व बुद्धि क्या थी, बेवकूफ बनाऊं, लोगों को प्रभावित करूं, धन इकट्ठा करूं, फोटो छपवाऊं, गुरु दीक्षा दूं, ये बुद्धि थी, संभव है? एक तो हो गई कर्म करने के पूर्व। अभी क्या चल रहा है, कर्म करते समय, ठीक है, और एक आखिरी कर्म करने के बाद, बस 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 ये चार। मेरे मन में आया मैं भी कभी करूंगा, आप भी कीजिएगा, एक दिन ऐसी साधना में जीवन बिताया जाए, एक दिन है, कि हम लोग जब भी कर्म करने चलें तो एक चार्ट बना लें, इस कर्म करने के पहले क्या बुद्धि थी, अभी क्या चल रही है, बाद में क्या है, कम से कम 10 कर्मों की तो बना ही लें दिन भर, आपका आध्यात्मिक रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट सामने आ जाएगा, बातें कहने और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बनता है? तो बोले आप क्या कहना चाहते हैं, कर्म करने के पहले, कर्म करते समय, कर्म करने के पश्चात। तो पहले क्या बोला गया, कल इस बात पे चर्चा हुई, हाँ हुआ, फलाशक्ति तो नहीं बोला होगा, पश्चात बोला होगा मैंने, हाँ हाँ अच्छा, और कर्म करते समय कर्माशक्ति, और कर्म करने के पश्चात वो है फलाशक्ति, वो है फलाशक्ति। इन तीनों स्तर पर व्यक्ति जो है ना सजग रहे। अब ये विषय बड़ा है इसलिए मैं इसको फिर से नहीं खोल रहा हूं, कल आप देख चुके हैं, अपना सुनिए, पढ़िए इसके विषय पे, कि जब भी मैं कर्म करूं उसके पहले मेरे मन में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करते समय क्या होना चाहिए। अहम भाव आ गया, गड़बड़, मैं कर रहा हूं, मेरा प्रवचन, मेरा अस्तित्व, मेरी बुद्धि, मेरी साधना, ओफ मेरी 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 योग्यता, तो प्रवचन तो हुआ महाराज, लेकिन अभिमान पूर्वक प्रवचन हुआ, इसका कोई विशेष फल आने वाला नहीं है, शायद बाहर फल आ भी जाए, अंदर तो कोई फल आने वाला नहीं। तो वो पॉइंट आप अपना नोट कर लीजिएगा,
संगम त्यक्त्वा, मैं इस शब्द पे ही जोर दे रहा हूं जो भगवान का ये है, संग को छोड़ो। चलो आपको एक और दृष्टि से, संग मतलब आसक्ति, संग मतलब आसक्ति, सरल कर रहा हूं मैं आपके लिए, और बहुत सरल करके बोले, लेकिन आपके मन में फिर प्रश्न आना चाहिए, आसक्ति मतलब क्या? मतलब आप बोलते पुत्रासक्ति, धनासक्ति, प्रवचनासक्ति, आसक्ति मतलब क्या? मतलब मैं किसी चीज को ना चाहूं तो जीवन नरक है क्या फिर? अरे मनुष्य है, किसी ने किसी चीज को तो क्या करेगा, प्रेम को कभी आसक्ति से नहीं कहा गया, ये ना अलग करिएगा, प्रेम की कभी मनाही नहीं है जीवन में, पत्नी से प्रेम, गुरु से प्रेम, शिष्य से प्रेम, प्रेम तो होगा ही होगा, मनुष्य है आखिर, मतलब रूखे मत बनिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं प्रेम के नाम पर आसक्त मत बनिए। अब आपकी ये रिसर्च जरूर करनी चाहिए, आसक्त मतलब क्या? गुड। आसक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है पराधीनता का भाव। अब अपना अपना पकड़ना भाई, जिसके बिना मैं ना रह सकूं, सब लोग अपना अपना पहचानिए, जिसके बिना मैं ना रह सकूं, बस 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 उस चीज से मैं क्या हो गया हूं, मतलब जिंदगी गुलाम हो गई, अब ऐसा कहूं अगर वो ना मिली तो मुझे लगता है कि यस मेरे जीवन से सब खो गया। शराबी को शराब ना मिले क्या कहें, तो उसको क्या लगता है, ही नहीं, जीवन व्यर्थ। तो आप समझना फिर वो क्या हो गया है, आसक्त है। अच्छा पुत्र आसक्ति, अगर पुत्र का मुखड़ा देखने को ना मिले हैं तो बोले दिन क्या हो गया, बर्बाद हो, आप समझ लो पुत्र आसक्ति हो गई, पक्की बात है। जिसके ना मिलने पर व्याकुलता, छटपटाहट, आकुलता बढ़ जाए, ओ, सभी चीजें तो हैं आपके पास में, बोले वो नहीं है, बस 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 बस, बस। तो आप फिर तो आ सकते हैं, प्रेम होवे लेकिन पराधीनता ना होवे, कॉम्बिनेशन बनाइए ना ऐसा कोई। और करनी भी है आसक्ति, संत लोग कहते हैं, तो ईश्वर से कर लीजिए, गुरु से कर लीजिए, और वो आपको क्या करेगा, निरासक्त बना देगा। इस पर मैंने आपको दृष्टांत कभी दिया होगा, क्या दृष्टांत याद आता है कोई? इस पर हमारी बड़ी एक दिन अभी चर्चा हुई थी रात में, दूध ले लीजिए, अच्छा उसका संग कर लीजिए, हाथ में दूध लग गया कि नहीं लग गया, हो गया। हाथ में अन्न ले लीजिए, अन्न लग गया कि नहीं लग गया, लग गया कि नहीं, संग हो गया। उस संग को किससे हटाते हैं, तो जल का क्या किया आपने, सावधानी से, जल का भी क्या किया, जैसे दूध का संग था वैसे जल का भी संग था, लेकिन जल के संग से असंगता की अनुभूति हुई,
जल से हाथ धोने के बाद में भी ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में अब कुछ लगा लगा तो है, जल लगा है, लेकिन जल के संग से व्यक्ति को असंगता की अनुभूति होती है, हाथ में कुछ भी नहीं है। ये कहां दृष्टांत है, मुझे कपिल गीता में आया है शायद, कपिलोख्यापन में, देवभूति माता के संवाद में आया है। उन्होंने बोला माँ गुरु का संग करना चाहिए, जीवन में यदि गुरु है तो वही आपको रास्ता दिखाएगा। बहुत बड़ा माँ सदगुरु पर बहुत अच्छा उपदेश है। और ऐसा मन होता है कि मैं भी एक बार सिर्फ कपिलोपाख्यान ही पढ़ाऊं सिर्फ। तो दुनिया भर के संग को असंग से नहीं मार सकते, संग को मारने के लिए संग ही चाहिए। तो दुनिया के संग को मारने के लिए सतगुरु का क्या चाहिए, संग चाहिए। लेकिन सतगुरु का जो संग है वो आपको क्या बना लेता है, असंग ले जाता है। मतलब हाथ में लगने के बाद में भी ये है, ऐसा जीवन होना चाहिए। इसलिए मैं संग का अर्थ कह रहा हूं स्वाधीनता का अभाव, जिसके बिना मुझे ऐसा लगे कि मेरा जीवन अधूरा है। अब समझ जाना कि आपका उसके प्रति आसक्ति का भाव है। अब देखो आप किससे किससे आसक्ति है, इसी कहेगा कर्मासक्ति। यदि कर्म करने को ना मिले हाँ तो व्यक्ति बेचैन हो जाए। सोच के देखिए जरा, तो अब यहां पे तो अच्छा अब आगे चलो इसके बढ़ते जाओ। अब एक शब्द अच्छा ऐसा याद आ रहा आपको बोल देता हूं, जो वेदांत प्रेमी वो इस बार कर्म निरपेक्ष अस्तित्व की अनुभूति हो गए। एक ही शब्द अब काफी है, कर्म निरपेक्ष अस्तित्व की अनुभूति हो गए। हमारे साथ बीमारी ये है कि जब तक हम कर्म करते नहीं हैं तब तक हमको कुछ लगता नहीं कि जीवन में कुछ है। तब आप समझ लेना कि आसक्ति किस चीज से है, कर्म से। आसक्ति मतलब पराधीनता। है इसमें कुछ संशय रह जाता है? एक मिनट हो क्या, इस श्लोक से जरा आगे बढ़ने की कोशिश करो, जरा चैंटिंग कीजिए चौथे श्लोक से, जरा चौथा श्लोक से जरा पाठ कीजिए। तो कर्म निरपेक्ष, आवाज को थोड़ा पतली कर सकते हैं? तो कर्म निरपेक्ष अस्तित्व इसकी अनुभूति कीजिए। बिना कर्म के भी मैं हूं इसकी अनुभूति हो गई। तब आप समझ लेना कि कर्मासक्ति क्या हो गई आपकी, दूर हो गई। अब ये सब पहचान आप याद रखना। आसक्ति का मतलब हो गया कि मैं उसके बिना भी जीवित रहता हूं, तो आप समझ लो निरासक्त है। यदि उसके बिना चित्त में फिर व्याकुलता उत्पन्न हो जावे, तब आप समझ लेना कि आपका संग तो हो गया। आपको आश्रम में रख दिया जाए और कहा जाए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, भोजन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, भोजन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 8 घंटे के अंदर ही कि अब मेरा मन छटपटा रहा है। देखो जी क्यों छटपटा रहा है,
कर्म करने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब रजोगुण भरा पड़ा है जबरदस्त। देखो इसलिए मैंने अभी एक शब्द बोला, अब इस शब्द से मेरा ख्याल आप पूरी फिलॉसफी आपके सामने आएगी, कर्म निरपेक्ष अस्तित्व। साधक कहता है महाराज ऐसा जीवन तो नहीं हो सकता, मैं कर्म तो करूंगा। भगवान कहते ठीक है चलो एक और कर्म करो, कर्ता भी बन जाओ। लो चलो क्या छूट देखो आप भगवान की, जाओ कर्ता बन जाओ। पहले तो कर्ता बनने के लिए मना किया, कर्ता बन जाओ, ऐसा गुरु कहां मिलेगा सोचो आप, ईश्वर तुल्य। सात्विक कर्ता बन जाओ, अब लो कर्म के लिए मना किया कर्म कर लो, कर्ता के लिए मना किया कर्ता बन जाओ। अच्छा लेकिन कम से कम साधक महाराज सात्विक कर्ता तो बनो। अभी सात्विक कर्ता कौन है? नहीं, सात्विक कर्ता की निशानी क्या है? हम सभी सात्विक कर्ता हैं अगर हैं। आपने पढ़ा है मेरे ख्याल से 17वें अध्याय में आया है, मुक्त संगह अनहमवादी धृत्यु, खोलो भैया अपना समन्वित, खोलिए पूरा श्लोक पढ़िए। इसलिए मैंने बोला 18वां अध्याय पूरी गीता का सार है और आपको पलटना जरूर पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा भी ये। मिल गया 18वें अध्याय का 26वां, 18वें अध्याय का। देखो आप ये पढ़ाई शहर में कर सकते हो अब, आप सब भाग जाएंगे वहां पे, तो अगर पढ़ाओगे शहर में तो मुक्त संगह। देखो सात्विक कर्ता बनिए, मुक्त संगह इससे डाइल्यूट भगवान नहीं कर सकते अब आपको। ये पेज नंबर आपके 427 26वां श्लोक, मुक्त संगह अर्जुन काम करो लेकिन मुक्त तो हो जाओ, किससे? संग से। देखो कितना जोर दे रहे हैं कि इस बात पे, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम काम मत करो, मुझे पता है कि तुम जब तक काम नहीं करते हो तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता, तुम्हें आनंद की प्राप्ति तब होती है जब तुम काम करते हो। करो काम, खूब काम करो। अब एक काम करो ये कि काम करते समय मुक्त संगह। आपसे बताऊं डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन जेलसी चिड़ सब निकल गई सिर्फ एक शब्द से। किस शब्द से? मुक्त संग। दुनिया मरती है तो मरने दो, मुझे जो काम दिया गया है मैं वो काम करूंगा। समझ में आए तो ठीक, हाँ समझ में ना आए तो ठीक। अच्छा मैं अभी क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। अब समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मत आओ, यही तो हो सकता है ना। बट इसके लिए मैं अपने स्तर को क्यों गिराऊं? मैं अपने स्तर को क्यों गिराऊं भाई? कभी ये तर्क हमारे स्वामी जी ने दिया, बहुत समझ में आए मुझे, कि भैया बड़ी मुश्किल से किसी व्यक्ति का स्तर बढ़ता है, भीड़ के कारण मैं अपने स्तर को क्या करूं? ये कहां का सौदा है भाई? बात तो सही है। मुक्त संगह, संग से मुक्त हो गए, वाह। मुक्त संग मुक्त हो गया मतलब अब उसके चित्त में फल की कोई आकांक्षा, मेरा जो कर्तव्य है मैं वो करूंगा,
अच्छा ठीक है, अनहमवादी, देखो जी कार्य करते वक्त यह वृत्ति का उदय ना होवे कि यह कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। अच्छा तो बोले अब मैं भाव तो है ही नहीं, दुनिया के लिए काम कर रहा हूं तो कर दो। देखो यही आधे डिपार्टमेंट में हो रहा है, कर दो, जनता का काम है, इसका काम है। भगवान धृत्यु उत्साह वाह, यह काम करने का ढंग, ये कुछ और नहीं है। इसी बात को हम लोग मैनेजमेंट में बोलते तो लोग बोलते बड़ा ये है सब गीता ही, आपको बताऊं। उत्साह समन्वित, कार्य करते वक्त गजब का उत्साह होना चाहिए, जैसे हनुमान जी में था। हनुमान जी का उत्साह तो देखते ही बनता है, आपसे बताऊं उनके उत्साह को तो रोक लगाते हैं कौन? हनुमान जी कहते हैं आप कहिए तो मैं पर्वत उठा लाऊं। कौन सा पर्वत? अरे जड़ी बूटी नहीं जी, अभी जब मरे ही नहीं तो बाण नहीं लगा तो कहां से उठाएंगे वो? त्रिकूट उठा लाऊं। बाबा रे बाबा, त्रिकूट मतलब समझते हैं जहां रावण रहता है। आप पार करने की बात क्या बोलते हैं? आप बोलिए तो पूरा पर्वत ले आऊं, आप बोलिए तो रावण को ले आऊं, आप बोलिए तो सीता को ले आऊं, इतना कर सकता हूं। ये क्या है? अति उत्साह। जामवंत ने क्या करा, क्या सुझाव दिया? इतना करो बस। देखो फ्यूज कर दिया ना उनको। सुंदरकांड पढ़ा है आपने कभी? स्टार्टिंग किससे होती है? जामवंत के वचन सुहाए, हाँ सुनी हनुमंत, क्या था अब उसके आगे? तो ये छुपाई देखना, स्टार्ट किसे? इतना कर हूं जितना भाई। मैंने आपको कभी सुनाया होगा, रामलीला में कोई रोल कर रहा था तो राम नहीं आए तो रावण कहता कि इसका भी रोल मैं ही कर दूं क्योंकि मुझे आता है। अरे भाई आपको आता है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप रावण भी कर दोगे राम भी कर दोगे, आने से मतलब नहीं है। आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जामवंत जी ने क्या बोला है? इतना करो। और जब इतना करो बोला है ना, तब बोला है जामवंत के वचन सुहाए। कभी आपने सोचा जामवंत के कौन से वचन सुहाए? सुनी जामवंत जी के वचन सुने, किसने सुने? हनुमान जी ने। अरे कौन से वचन सुने भाई? ऐसा क्या कम्युनिकेशन हुआ जिसको सुन के हनुमान जी हर्षित हुए? लिंक क्या है सुंदरकांड की, उसके पहले किष्किंधा कांड का आखिरी क्या बोलते हैं? इतना करो। जब ये सुन लिया हनुमान जी उनका यस हो गया, क्योंकि उनको अपने कर्तव्य की सीमा समझ में इतना ही करना है। कितना करना है? जाओ खबर लेकर वापस आओ, इतना ही करना है। सोच ये है, कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। अति उत्साह वर्जयेत, अति उत्साह में नहीं आना चाहिए, फिर काम नहीं होता है। ये उद्धृति उत्साह समन्विता। अब ये तो कभी सरकारी लोगों मिले तो उनके सामने ये पक्ष रखने वाला है। हाँ उनके लिए तो अभी ये मेडिटेशन और उनके लिए मोटिवेशनल टॉक अभी बहुत सारी होती ना, उनको क्या लगता है किसका काम है? जनता का काम है, समाज का काम है, क्या करना है? साइन ही करना है। यहाँ भगवान क्या बोलते हैं? उत्साह। जो कार्य मिला है उसको सेवा मानो, और सेवा ऐसे बोझिल मन से नहीं की जाती। जबरदस्ती रख दिया है बोले तो करो, तो नौकर है वो, तो गार्ड होगा वो, तो नौकर होगा।
सेवक में ये लक्षण नहीं होता, उत्साह समन्वित। देखो ये मैं पढ़ा क्या रहा हूं अभी, सात्विक कर्ता, चलो कर्ता बन जाओ, लेकिन कैसे कर्ता बनो, सात्विक। एक चीज और, सिद्धि असिद्धि, आहा असिद्धि लगा दिया। देखो आध्यात्मिक व्यक्ति सफल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कर्मयोग सफल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए असिद्धि, सिद्धि असिद्धि निर्विकार, कोई विकार नहीं चित्त में, कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसे कर्ता को देखो आप कितनी बड़ा उपदेश दिया है, कर्ता करो कर्म करो, लेकिन कर्म करते समय सिर्फ एक बात ध्यान रखो, कैसे कर्ता बनो, सात्विक कर्ता बनो। ये क्लियर होता है ना, इसलिए मैं कह रहा था कर्म करें कम से कम सात्विक कर्ता ही बन जाए। अब देखो तो फल प्रेरकत्व नहीं होना चाहिए, संग प्रेरकत्व नहीं होना चाहिए। प्रेरकत्व क्या होना चाहिए, कर्तव्या नीति में पार्थ, किसी फल के लिए काम ना करें, किसी संग के लिए काम ना करें, किसके लिए करें, छठवा छठा श्लोक, कर्तव्या ये मेरी कर्तव्य है, मुझे तो ये करना ही है, कर्तव्य प्रेरणा से करें। तो एक ये चित्र आपके समझ में आ गया कर्म का, कर्म को कर्तव्य भाव से करना है, कर्म में आसक्ति नहीं होनी है, कर्म में किसी भी प्रकार का संग नहीं होना चाहिए। हो गया ये क्लियर, अब आ गया जे है क्या, नियतस्य तु सन्यासः, नियतस्य तु सन्यासः कर्मणोनोपपद्यते। ये शब्द आया नियतस्य, अर्जुन नियत कर्म का अनुष्ठान करो। देखो जी क्या बोला जाए, स्वामी जी ने इसको ऐसा कभी पढ़ाया था, जो नियत शब्द है ये नहीं समझ में आता है तो ता को या बनाओ या को ता बनाओ। तो जो कर्म तुम्हारे लिए तय किए गए हैं, यत को क्या बना दिया, तय बना दिया, जो कर्म तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वही कर्म करो, उसके अलावा किसी कर्म का अनुष्ठान न करो। बहुत ये समझने के लिए है, कौन सा कर्म करूं, नियतस्य तु कर, नियत कर्म क्या है, नियत कर्म की पहचान क्या होगी, अपनी विशिष्ट पहचान के अनुसार के किए गए कर्म। यह विषय स्वामी जी ने बहुत सुंदर से छठे अध्याय में लिया है, मुझे क्या करना चाहिए। लोग बहुत भ्रमित रहते हैं कई बार, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, उसकी सबसे अच्छी उपाय है आपकी क्या विशिष्ट पहचान है। ये तो इतना तो कर सकते हो, क्या विशिष्ट पहचान है, मतलब मैं मिशन का सदस्य हूं, ये मेरी क्या है, विशिष्ट पहचान। तो अब आपका कर्तव्य बन गया कि नहीं बन गया, मैं समाज का सेवक हूं, ये क्या हो गई आपकी विशिष्ट पहचान। वह कर्म करो जो तुम्हारी विशिष्ट पहचान है, सामान्य नहीं। अब यहां तो विषयांतर बहुत हो जाएगा, पहचान कई तरीके से होती है, एक पहचान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से भी होती है,
है ना, शास्त्री पहचान। शास्त्री पहचान का मतलब समझते हैं, जो पहचान आपको शास्त्र ने दी है। शास्त्र ने क्या पहचान दे दी आपको, ब्राह्मण हैं आप, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र, वो काम कीजिए। अब इसमें आपका कुछ चला नहीं, क्योंकि आप तो ब्राह्मण में पैदा हुए, क्षत्रिय में, वो काम कीजिए जाइए। ब्रह्मचर्य हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं, वो काम कीजिए। ये कैसा पहचान हो गया, शास्त्री हो गया। अच्छा, सामाजिक पहचान जो आपको समाज ने दिए। हाँ, समाज द्वारा दी गया, समाज द्वारा समझते हैं आप, कमिश्नर की उपाधि किसने दी आपको, समाज ने। कलेक्टर किसने बनाया आपको, समाज ने। तो ये भी तो एक कर्तव्य हुए कि नहीं हुए, ये शास्त्र ने तो कलेक्टर नहीं बनाया था ना आपको, ये तो समाज के ही संविधान ऐसे थे और उस संविधान के तहत आप उस सीट पे आ गए। तो एक ऐसी पहचान हो गई आपकी सामाजिक, लेकिन एक पहचान क्या है, मेरी अपनी विशिष्ट पहचान, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। अब देखो, मैं सेवक हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, बन गया आप। देखो इतना सिंपल सा, तो मैं अपने बारे में क्या समझता हूं, अपना अपना देखो आप। मैं अगर अपने आप को मां समझती हूं तो मेरा एक क्या हो गया, कर्तव्य हो गया, पूछने की किसी से आवश्यकता ही नहीं। मेरे मन में यदि पहचान है कि मैं शिष्य हूं, तो अब मेरा क्या हो गया, कर्तव्य बन गया, रास्ते खुल गए मेरे लिए, मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। ये इस शब्द की व्याख्या ये है, नियतस्य तु। स्वामी जी तो इसको ऐसा कहते हैं, देहधारी के कारण जो उसको करना पड़ता है। देखो जी, देहधारी के कारण, नियतस्य तु नित्यस्य संन्यास परित्याग कर्मण अनुपपद्यते। देखो जी, तो जो पहचान, विशिष्ट पहचान आपको दी गई, उसके अनुसार कर्म करो। इस साधक ने क्या किया बल पता है, बोले मैं तो सबका त्याग करता हूं, क्योंकि आपने त्याग मीमांसा पढ़ाई है, तो मैं तो क्या करता हूं, त्याग करता हूं। देखो जी, भगवान ने उसको क्या बोला पता है, जो त्याग, देखो त्याग ही है, भगवान कैसी निंदा करते हैं, जिस त्याग के पीछे अविवेक है, बिना सोचे समझे आपने त्याग दिया, उस त्याग के पीछे कौन है, अविवेक, मोह, अज्ञान, जड़ता, स्वार्थ, और किया क्या आपने, किया क्या आपने, अच्छा काम किया है, किया क्या है, छोड़ दिया। भगवान बोलते हैं ऐसे त्याग को तामसिक त्याग कहते हैं। आगे ना विषय पर भगवान अपने देख लेना अपने जीवन में, अगर हमने और आपने भी तामसिक किया है तो देखो आप, अगर हमने जीवन में कुछ चीजें छोड़ी हैं, छोड़ी किसके कारण है पता है, अविवेक, अज्ञान, मोह, स्वार्थ, मोहा तस्य परित्यागा तामसा परिकीर्तिता, ऐसे त्याग को तामसिक त्याग कहते हैं। उदाहरण दिखाता हूं आपको, शास्त्र का उदाहरण, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनी होगी। कथा थी वो हाथी की, वो हाथी का युद्ध हुआ था ना गजेंद्र मोक्ष में, याद आ गया वो?
अब सुनो आप, वो अब वो हाथी कहां से बन गए? वो तो भगत राम थे ना, सुना ना आपने, मगरमच्छ से उसकी खूब लड़ाई हो गई। मुआत तस्य परित्याग, ये इसका उसका साक्षात उदाहरण। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। महाराज इतना सुंदर राजा था, इतना सुंदर शासन करते थे वो राजा इंद्रद्युम्न, प्रजा बड़ी सुखी थी। भगवान जाने कहां सत्संग सुन लिया, किसके चक्कर में पड़ गए। नहीं बस उसमें नारद जी है कि ऋषि मुझे भी नहीं याद आ रहा था, स्वामी जी बोले किसका संग क्या क्या कर लिया, एक गलत समझ लिया, मैं तो ऐसा कह रहा हूं गलत, इसीलिए अविवेक है। और पता नहीं क्या हुआ, पूरे राज्य को छोड़कर भाग गए, और राज्य को ऐसे ही छोड़कर राजा का ही करता। अब देखते एक दिन भी हम लोगों के यहां मुख्यमंत्री हार जाए या रिजाइन करे, उसके बाद भी राज्यपाल एक घंटे के अंदर ही उसको कैसा मुख्यमंत्री बनाता है, कार्यवाहक, बिना राजा के। तो थोड़ी देर के लिए रहिए, ये राज्य का नियम है, राजनीति है। वो तो छोड़कर भाग गए। क्यों भाग गए? अध्यात्म के कारण, अध्यात्म के कारण। जंगल में महाराज बहुत तपस्या करने लगे, तपस्या करने लगे, बड़ी जड़ा जूट दाढ़ी बांध के बैठे थे। अच्छा ही ध्यान रखना, त्याग कैसा है अभी? ये त्याग तो अच्छा ही है ना। अब वहां से ऋषि मुनि गुजर रहे थे, नारद जी थे, कौन थे। अब ऋषि मुनि तो देह को भी देख के समझ जाते हैं, आपसे बताऊं कि ब्राह्मण का शरीर है कि क्षत्रिय का कि वैश्य का कि शूद्र का। उन्होंने बोला यह शरीर ब्राह्मण का तो दिखाई नहीं देता, ये तो किसी राजा का ही शरीर है, तो ये तो क्षत्रिय है। और उनको समझ में आ गया कि ये तो कौन है, इंद्रद्युम्न ने उससे पूछा तुम कौन हो, तो पहले तो उन्होंने बताया ही नहीं। जब बहुत ज्यादा डांटा तो बताया कि मैं इंद्रद्युम्न हूं। हो बोले इंद्रद्युम्न, इतनी प्रजा वहां हाहाकार मचा रही है तुम्हारे पीछे, तुम्हारा तो कर्तव्य था कि जनता की शासन सेवा करना, यहां छोड़ के आ गए। इतना समझाया और तब भी वो राजा जाने को तैयार नहीं हुए। देखो नहीं तैयार हुए। और आपको पता है ऋषि के पास आखिरी विकल्प क्या है? ओ लिया महाराज, लो छिड़क दिया, तेरी बुद्धि जड़ हो गई है ना, जा जड़ योनि, जिसकी बुद्धि जड़, हाथी की बुद्धि कैसी होती, जड़, हाथी बन जा, जा। और वही क्या बन गए, हाथी। और उन्हीं का क्या हुआ था, युद्ध। ये कैसा त्याग है, तामसिक मिला, किसके नाम पर छोड़ा, अध्यात्म के नाम। क्या बने, हाथी। कृष्ण इसको क्या बोलते हैं, तामस। देखो ये हम लोगों के लिए, कभी बिना जाने हुए कुछ मत चीजें छोड़िए भाई। हमारे यहां तो ये हिंदू धर्म में देखा देखी बड़ी चलती है, वो ये कर रहा तो मैं भी ये करूंगा, कुछ जरूरी कि आपके लिए करना है, देखा देखी मत छोड़िए, देख लीजिए। तो आप तो एक ही शब्द पकड़ पकड़ो, मोहा तस्य परित्याग। अच्छा जल्दी से आ जाइए, दूसरा त्याग। बोले इन्होंने काम क्यों छोड़ दिया? बोले गृहस्थ धर्म में बहुत शरीर को कष्ट होता था, इससे अच्छा तो सन्यासी बन जाए, ज्यादा अच्छा है। देखो शरीर के कष्ट को बचाने के लिए त्याग कर दिया। कौन करे जिम्मेदारी निभाए, कौन आटा पिसाए, कौन क्या क्या करे अपना, इससे अच्छा तो बैठ जाओ आश्रम में, आएगा खाओ पियो मजे में रहो। ऐसे भी इच्छा आ सकती, शरीर को कष्ट ना,
देखो शब्द क्या लिखा है, काया क्लेश। क्या भगवान देखो स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट लिख दिया काया क्लेश। काया क्लेश मतलब शरीर का कष्ट। यदि कोई शरीर के कष्ट से बचने के लिए ये चाह रहा है, अर्जुन ये राजसिक है। वाह कितना सटीक व्याख्या है। और बोलते हैं दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् भयात् त्यजेत। देखो एक है जो दुख होता है वो सदैव वर्तमान में होता है, और जो भय होता है वो सदैव भविष्य का होता है। क्या कहते हैं आप? दुख सदैव वर्तमान का होता है और भय सदैव, ये इसने क्यों छोड़ा, इसने क्यों छोड़ा? देखो जी भविष्य में भी मुझे काम करना पड़ेगा, छोड़ दो अभी से छोड़ दो, वर्तमान जीवन से नाखुश छोड़ दो। भगवान ने इसकी निंदा की, ये भी अच्छा नहीं। यदि भय के कारण छोड़ा जा रहा है, दुख के कारण छोड़ा जा रहा है, भगवान बोलते हैं ऐसे को राजसी कहते हैं। देखो जी राजसी मिल गया, ये दुखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्येव नैव त्याग फलम लभेत। और अच्छी बात यह है इस त्याग का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। देखो त्याग भी बिचारे ने किया और उसको कोई फल भी प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा दाख देखिए तो तामसिक तो हो ही गया, राजसिक तो हो ही गया। आप देखो कह पुनः सात्विक त्याग कार्यम इत्येव यत् कर्म। जो त्याग किसका किया जाता है, देखो संगम त्यक्त्वा, ये पकड़ के रखिएगा आप, यही है कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। संगम त्यक्त्वा वह किसका त्याग करता है, संग का त्याग कर। ऐसे त्याग को क्या बोलते हैं, सात्विक त्याग। कर्म करता है यानी रखना, कर्म नहीं छोड़ा है, लेकिन इसने संग का क्या कर दिया। अच्छा आखिरी एक विषय देकर हम आप दोनों संग त्याग की विधि क्या है, मतलब एक बात तो देखो आप ध्यान, बुद्धि बुद्धि को काटती है, फल बुद्धि को, प्रसाद बुद्धि काट सकती है। अभी तो इस सूत्र समझे आए, फल बुद्धि को काटने के लिए जीवन में प्रसाद बुद्धि आ जानी चाहिए। अच्छा प्रसाद बुद्धि क्या होती है, अब आपको जो दे दिया गया उसके प्रति आप कंप्लेन नहीं करेंगे, दोबारा नहीं मांगेंगे, प्रसन्नता से उसको क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं प्रसाद। मंदिर में आपको जो मिल जाए, पंडित जी दे दें तुलसी दल दे दें केला दे दें मिश्री दे दें, तो आप क्या बोलोगे, वो नहीं दिया हमको, वो दिया तुमने, तो प्रसाद तो नहीं हुआ ना ये। अगर फल बुद्धि को त्यागना है तो आप ध्यान रख लीजिए आपके जीवन में प्रसाद बुद्धि उत्पन्न कर लीजिए, इससे अच्छा सूत्र नहीं हो सकता। फल बुद्धि को काटने का जो प्रायोगिक उपाय है वो यही है, क्या चीज, प्रसाद बुद्धि, उसको उत्पन्न कीजिए बस। अच्छा ठीक है, संतोष में कहीं मन मारने का मन दिखता है, संतोष में मन मारने का मन दिखता है, लेकिन प्रसाद में मन मारने का मन, प्रसाद पाके तो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रसन्न रहता है।
कैसा भी प्रसाद मिले, अरे अब भंडारा चल रहा था देखो आप हनुमान जयंती पे, ठीक है। तो ऐसे में रात में कोई कह रहा था कि ये स्वामी जी पंचमुखी हनुमान में भंडारा चल रहा है दिन भर रात भर। तो बोले वहां तो स्वामी जी गाड़ियों की गाड़ियां लगी हैं। तो अब मेरे मन में आए क्या उन गाड़ी वालों के घर में पूरी सब्जी नहीं थी रोटी, उनके घर तो हो गई, उल्टा वो दे ही सकते हैं। लेकिन वो इतनी दूर आए किस चीज के लिए, ये है प्रसाद बुद्धि। भले वो पूरी टेढ़ी मेढ़ी काली कैसी भी हो, एक मिल गई हो, आप करते हो यहाँ, आप तो देखते हो लोग सिर्फ ये मांगते हैं कि थोड़ा सा क्या कर दीजिए, अरे इससे पेट नहीं भरना है भाई। लेकिन ये कम से कम क्या मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, ये क्या बुद्धि है। अब ये प्रसाद तो भोजन से जुड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं जीवन में जो कुछ मिले वो सब क्या समझ लीजिए बाप, ओहो हो बहुत आनंद में जीवन में। ये जो कंप्लेनिंग और चिड़ और चिढ़न जेलसी डिप्रेशन सब गया भट्ठे बाड़ में, बस एक शर्त है क्या बुद्धि आ जाए, प्रसाद। सब अपमान कराया तो किसने, उसी ने कुछ सोच के कराया होगा, मान भी तो कराया है उसने, तो अपमान भी करा दिया, कौन सी बड़ी बात। अरे भूखा रखा उसी ने, तो मालपुआ दिया था तो अब किसने दिया था भाई। देखो आप घर में भी इसको कैसे बनाओ प्रसाद बुद्धि, कितना इसमें बोलेंगे आप, घर में प्रसाद बुद्धि बनाओ आप। जिस पत्नी ने आपको अच्छा भोजन दिया और किसी दिन उसने क्या कर दिया, खराब भोजन दिया, नहीं देगी ऐसा तो नहीं करेगी बेचारी, कुछ भोजन अच्छा नहीं बना, अब आप चढ़ाई चालू कर दो उस दिन, अब चढ़ाई चालू कर दो तो गलत बात हुई कि नहीं हुई। अच्छा भी उसी ने दिया तो किसी दिन उसी ने क्या कर दिया, तो क्या हो गया भाई, उसको इशू बनाने की क्या जरूरत है टेबल पर। गृहस्थ का आधा झगड़ा के जड़ ये, और कभी पति ने इतनी सारी चीजें दी तो अगर कोई चीज नहीं दी या डांट दी तो उसको इशू बनाने की क्या आवश्यकता है। आप उस बात को भी किस बुद्धि से ग्रहण कीजिए, प्रसाद बुद्धि से। बट कोशिश कीजिए, ध्यान रखिए, इशू मत बनाइए। हम लोग क्या करते पता है, अध्यात्म के नाम पर ना हो गीता पढ़ के बाबा रे हमने ये पढ़ा तो आपने ऐसे क्यों नहीं किया, और ये भूल गए कि जो उसने अब तक अच्छा किया वो किसने किया, वो भी तो उसने किया, तो वो क्यों भूल गया। 10 चीजें दी वो नहीं याद है, जो एक चीज नहीं दी वो याद है, इसका मतलब दृष्टि पवित्र नहीं, इसमें शुद्धता नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी ये होनी चाहिए कि किसी भी चीज को वो इश्यू लेवल पर आने ही ना दे। अब वो कैसे पचाता है ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने चित्त को तो कैसे रखना है, सात्विक रखना है ना। आपने झगड़ा कर कर ये करके आवेश में लाकर चित्त को तो क्या कर दिया, तो वो तो अशांत था ही चलो, और आपने भी अपने आप को क्या कर लिया, तो क्या मिल गया। इसलिए जीवन में परिस्थितियों के प्रति भी प्रसाद बुद्धि हो गए, ये प्रसाद नहीं। एक चीज गायब हो जाएगी आपकी, गायब क्या हो जाएगी पता है, शिकायत करने की आदत चली जाएगी आपकी। हाँ, कला तब भी नहीं मिटेगा, जो स्वभाव है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन मेरे चित्त में तो क्या हो गई भाई। देखो आप शांत हो गए इसका मतलब थोड़ी ना कि दूसरा वाला भी वो अपना करेगा उद्दंडता। ये भी एक पता है हमको क्या लगता है कि मैं आध्यात्मिक हूं तो मेरा पूरा परिवार, ये किसने कहा आपसे, ये किसने कहा भाई आपसे, पुत्र राम अलग हैं, पत्नी राम अलग हैं, बहू राम अलग हैं अपनी अपनी,
अब आपको ऐसा लगे कि सभी आध्यात्मिक हो जावें तो आपने जबरदस्ती अपनी बुद्धि पाल रखी। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है, उनके उद्दंड आचरण से मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब उनके उस पर आ जाए, कम से कम पहले मैं अपने आप को तो क्या करूं। अब डॉक्टर की स्वस्थता का संग, वो जो आईसीयू में जाता है उसकी स्वस्थता का संग के मरीज पर पड़ता है, तो डॉक्टर खुद ही पहन के जाता है मास्क, तो उसको किस बात का डर है। इसका जो बैक्टीरिया है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि उसका अच्छा बैक्टीरिया इसमें लग जाए। वो तो डॉक्टर कभी नहीं सोचेगा और सोचना भी नहीं चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए पहला कार्य पता है, अपने चित्त को इतना मजबूत बना लीजिए। अभी प्रसाद बुद्धि, इसलिए मैं कह रहा हूं सबके लिए नहीं है, स्वयं के लिए पहले प्रसाद बुद्धि ले आइए। परिवार में मत बांटिए प्रसाद, ये भी पहला तो कोशिश कीजिए कि मैं परिस्थिति को, व्यक्ति को, वस्तु को, हो गया, एंड प्राप्ति को, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, प्राप्ति और अप्राप्ति जो भी आ जाए, इन चारों चीज में क्या कर लीजिए, बना के देखिए। संभवतः जब वो आपको इस स्थिति में देखेगा तो हो सकता है उसके मन में आए कि इतना होने के बाद यह शांत है, तो ये शांत कैसे है। तो हो सकता है आपसे प्रभावित हो जाए, वो आपसे पूछे कि इसका रास्ता क्या है। एक नहीं एक दिन तो वह व्यक्ति भी आपको क्या करेगा, मानेगा। हर व्यक्ति का दिमाग चलता है, अब याद रखना, देर नहीं सहबेर, अंधेर कभी तो कभी न कभी वो आएगा ही आएगा। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हम तो उसके संग से हम भी गड़बड़ा गए। इसलिए फल बुद्धि को काटने के लिए सबसे अच्छा उपाय प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि में किसी प्रकार की मांग पत्र नहीं होना चाहिए, बस ये याद रख लीजिए। हमको ऐसा प्रसाद दो, ना ना ये नहीं चलता। मंदिर में आना आपका कर्तव्य है, मंदिर से क्या दिया जाए ये अब आपका अधिकार। देखो आप तो फल बुद्धि अपने आप क्या हो गई आपकी, फल आप मांगेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रसाद है। ये दो बुद्धियां जोड़ पाए आप। फल बुद्धि को काटने का इतना सरल उपाय है, मीठा कुछ तो मिलेगा। मंदिर में जाता है तो लेने ही तो जाता है ना व्यक्ति, प्रसाद तो लेने जाएगा ही, मांगेगा, लाइन में लगेगा। तो आप रखो कि कर्म के बदले कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसके बाद जो मिलेगा उसमें मैं कैसे रहूंगे। ये तो ये जो पंक्ति है ये कट जाएगी, कर्म संगम त्यक्त्वा, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, आगे बाद में देखते हैं।